अभी हम कर रहे हैं पैकिंग। अभी मैंने एक सूट रखा है, ये सूट रखे हैं, अभी हम करेंगे इस पर प्रेस करेंगे। और अभी अम्मी भी जा मतलब निकाल रही हैं अपने कपड़े, और अप्पी पता नहीं क्या ही कर रही है। अप्पी को हम देख के आते हैं, अप्पी देख रही है पुनर्जन्म स्टोरी गाइस। अरे लाइट नहीं खुल रही हमारे घर की, चैन से दे। अभी अप्पी के कपड़े निकल चुके हैं, पता है गाइस आपको, ये पूरी सेफ अप्पी की है। हम पैकिंग करने के बाद मिलते हैं, अभी सारे कपड़े पैक हो रहे हैं। क्यों मेरी कोई टॉवल नहीं है? बोल आगे तो अभी तक वो कंफर्म नहीं हुए हैं। हमने सोचा है कि अभी हो जाएंगे, पर हम बहुत ज़्यादा उसमें है कि हो जाए। हमने अभी ना वेटिंग में बहुत इंतज़ार में है कि हो जाए, और अभी वेटिंग में हमारा 18, 19 और 20 पता नहीं होंगे या नहीं। आप लोग बताना, हो जाते हैं नहीं होते हैं? वैसे तो लकी बात है, बाकी हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो इतनी सारी पैकिंग सब कुछ बर्बाद। सुबह और अभी हम लोग मतलब सारा काम कर लिया है, अभी तक हमारी वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है। अभी मैंने जस्ट चेक करा तो 11, 12, 13 है और अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं है। बट डैडी बोल रहे हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो देखते हैं। चार्ट बन के जब आता है तो वो शायद 4 आवर पहले आता है, और अभी हमारी 4:40 की ट्रेन है, बट देखते हैं चार्ट कब आएगा। जैसे ही आएगा जो भी होगा आपको ज़रूर बताओ, कन्फर्म होगा या नहीं। नहीं भी कन्फर्म हुआ तो ब्लॉग तो डालना है, फिर आपको पता चलेगा। अभी तक हमने पैकिंग तो कर ली है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत रह रहा है। अगर कन्फर्म होते हैं तो जल्दी सब कर लेंगे, फिर मैं आपको सब शेयर करूँगी। जल्दी से मिलते हैं, दुआ करो कन्फर्म हो जाए। तो गाइज अभी हमारी पैकिंग हो चुकी है डन। आप लोग सोच रहे होगे पैकिंग डन कैसे हुई, टिकट तो अभी तक वेटिंग में थे। आप बता दो, हमारे टिकट कंफर्म हो गए गाइस। आज 12 बजे हम लोगों ने चेक करा, मैंने नहीं अप्पी ने, जब मैंने करा तो साइड स्लो हो गई थी, फिर अप्पी ने करा तो आ गया, कंफर्म हो गई हमारी टिकट। और अप्पी अभी तैयार हो रही है, अभी 2:25 हो रहे हैं और अभी इतना फैला हुआ है। अभी हम इन सबको रखेंगे, बैग भी हमारा खुला हुआ है, ये हमारे पर्स भी रखे हैं। तो अभी हम जब वहाँ पहुँच जाएँगे मतलब यहाँ से जब निकलेंगे तब आपको दिखाएँगे। कंटिन्यू। तो हे गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन, और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है कैसा है। पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी डैडी अपने लिए लेने गए टिकट अंदर जाने के लिए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे तो हम जा रहे हैं D3 ढूंढने, मतलब अभी तो स्टेशन पे आए, अभी तो ट्रेन ही नहीं आई, अभी जाएंगे हम। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, आने वाली और ये पता नहीं मालगाड़ी है। तो गाइज ये थी मालगाड़ी, और यहाँ पे इस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आ रही थी ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, और ये हावड़ा बीकानेर की ट्रेन जा रही है। तो हे गाइज ये है, अभी हमसे पहले एक ट्रेन आई है, बट मैं अपनी ट्रेन का शूट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं अपनी ट्रेन का शूट करूँगी तो चढ़ेगा कौन, ओनली 2 मिनट्स का टाइम है, उसमें भी हमें जल्दी जल्दी चढ़ना है, तो इसलिए मैं अपनी ट्रेन का शूट नहीं करूँगी। मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, ये ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इसके लिए ऑलरेडी स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, मैंने ये नोटिस नहीं करा। तो गाइज हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, और ये शायद पिलखुआ या फिर हापुड़ वाला स्टेशन है, और हमारी ट्रेन यहाँ पे जाके स्लो हुई थी, मैंने सोचा यहाँ वीडियो बना लूँ, उस टाइम चढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, हम जल्दी जल्दी चढ़े।
गाइस, अभी आ चुका है मुरादाबाद और हम लोग रुके हैं कि यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी 40 मिनट्स। तो हे गाइस, अभी अपनी खा रही है फ्राइड राइस और हमारी ट्रेन में हो चुकी है लड़ाई। तो अभी अब लड़ाई तो खत्म हो गई और अभी अपनी खा रही है फ्राइड राइस। अभी हमारी ट्रेन मुरादाबाद रुकी है और मैं अपना फ़ोन भी उससे चार्ज कर रही हूँ। बाकी सब ट्रेन के बाहर जा चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था ना। अब हमारी ट्रेन चल चुकी है गाइस मुरादाबाद से। अब हम रुकेंगे नेक्स्ट स्टेशन पर जो भी होगा रामपुर रहने भी। ये वाली सामने कोई ट्रेन है गाइस, शायान यान कुछ नाम है। हमें सामने कोई ट्रेन चल रही है। अभी हम मुरादाबाद को करते हैं बाय। तो गाइस, अभी हमारी ट्रेन चल रही है, इस तो मैंने सोचा अभी इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। अभी काफ़ी भीड़ जा चुकी है क्योंकि अभी अभी जस्ट बिलासपुर का जो स्टेशन है वो रुका था और उसके बाद हमने भी बैठी थी क्योंकि अब हमारा स्टेशन आने वाला था और हमें उतरना था। तो अभी हम आपसे मिलते हैं रुद्रपुर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहुँच चुके हैं रुद्रपुर और हमें मामू लेने आए थे हमारे दोनों। तो एक तो स्कूटी पे थे, वो अभी दिखे नहीं, आगे पीछे होंगे कहीं, और एक हमारे साथ थे। तो हम अब नानी के घर जाके आपको एक और शूट दिखाएंगे और शूट करेंगे वहाँ जाके भी और आगे ब्लॉग्स पे कंटिन्यू रहिएगा देखने के लिए। गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं अपने नानी के घर। अभी ये बाहर का इलाका है, यहाँ काफ़ी लोग घूम रहे हैं और ये सारे नानी के पेड़ पौधे हैं जो कि मैं आपको दिन में दिखाऊँगी। सुना, अंकल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो हे गाइस, अभी हो चुका है हमारा ये ब्लॉग ख़त्म। तो आप इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा फॉर माय लेटेस्ट अपडेट्स। और आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, देखते रहिएगा कि हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। बाय द वे, इस बार मैंने बहुत जल्दी ब्लॉग एडिट कर लिया आप सबके लिए। तो आगे के ब्लॉग्स में कंटिन्यू रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए।